तुम कहे ऐसा कार्य करोगे? नहीं करेंगे बात। तुम पक्षी को मारोगे? नहीं मारेंगे। तुम पक्षी को मारोगे? नहीं मारेंगे। तुम्हारे जैसे जैसे को दिन रात हम देखते हैं। अच्छा ठीक भाई, सब कार्य करो, पक्षी को मत मारो। अब से कर, अब से हम बोल रहे हैं ना, तो आप रख लीजिए। तुम पक्षी को बात मानिए। नीलकंठ को इसने मारा है? नीलकंठ भाई निकालो बाहर। अरे नीलकंठ को हम सब बाहर निकालो। मारते हो लेकिन तुम अपने बच्चों के भविष्य में, भविष्य के बारे में कभी सोचते हो? तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी सोचे हो? अच्छा ठीक है बाबू, तुम पक्षी मारते हो और तुम्हारा बच्चा भी कल पक्षी मारेगा। तुम्हारा बच्चा का पेट कैसे भरेगा? तुम्हारा बच्चा को शिक्षा कैसे मिलेगा? तुम्हारा बच्चा का हॉस्पिटल में इलाज कैसे होगा? तुम्हारा बच्चा को, अरे मेरे भाई, कम से कम आपसे कर लेंगे ना, तब बोलिएगा। आपसे बोलिए बात मान, अब जीवन में ऐसा नहीं करूंगा। करेगा ना तब हम सब शराब पी रखते हैं। अरे भाई देख सकते हैं, बिहार में थोड़ा सा चढ़ा लिए, कहां है शराब पीते हैं इस भाई को। लगातार हम बार बार ये लोगों को समझाते हैं, अरे मेरे भाई पक्षी को मत मारो, पक्षी को मत मारो। और पक्षियों के वजह से कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में समस्या बढ़ती जा रही है। ये लोग दिन प्रतिदिन पक्षी को मारता है और कहीं ना कहीं पक्षी को नष्ट किया जा रहा है। नष्ट किया जा रहा है? क्यों पक्षी को मारते हो बुढ़िया भाई? हम सब जा रहे कहीं बुढ़िया बीमार है। क्यों पक्षी को मारते हो? नहीं मारे बात, आप अभी मारे हो ना? नहीं जा रहे, अभी जा रहे। इसमें क्या है? खोलो इसको। कौन सी है? देखिए गुल्लिका है, गुल्ली है। वो क्या है वो, निकालो उसको, दिखो। अरे लिबड़ेवर है, तुरी रही नहीं है। देख सकते हैं, अरे दिखो। अरे हो तो गया, बात मानिए। जितना कहता उतना बात मानिए। नीलकंठ को इसने मारा है? नीलकंठ भाई निकालो बाहर। अरे नीलकंठ को हम सब बाहर निकालो। क्या नीलकंठ है? देख सकते हैं आप लोग, खुद पहचानिए इसको। और नीलकंठ को यह मार दिया है। नीलकंठ भाई छोड़ो इसको, यह सोचिए यह क्या है मेरे भाई, नीलकंठ है या नहीं है? नहीं पहचानते हैं इसको। क्या नीलकंठ है? देख सकते हैं आप लोग, खुद पहचानिए इसको। और नीलकंठ को यह मार दिया है। रोज का रोज, दिन प्रतिदिन ये लोग की यही समस्या है। थोड़ा नजदीक आइए भाई, सुनिए। क्यों यह सब काम करते हो तुम लोग? नहीं बात मानिए। क्यों करते हो? क्यों करते हो? अरे क्यों करते हो? बात नहीं करेगा भाई। क्यों करते हो? नहीं करेगा बात मानिए। तुमको अभी हम जेल भेजेंगे। समझ गया भाई आप? तुम कहे ऐसा कार्य करते? नहीं करेंगे बात। तुम पक्षी को मारोगे? नहीं मारेंगे। तुम पक्षी को मारोगे? नहीं मारेंगे। तुम्हारे जैसे जैसे को दिन रात हम देखते हैं। अच्छा ठीक भाई, सब कार्य करो, पक्षी को मत मारो। अब से कर, अब हम बोल रहे हैं ना, तो आप रख लीजिए। तुम पक्षी को मत मारो, बात मानिए। आपसे ये लोगों से हम अपील करते हैं और हर लोग से कि हर कार्य करो लेकिन पक्षी को मत मारो। और पक्षी के वजह से कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन हमारे समाज में समस्या बढ़ती जा रही है। किसान परेशान हो रहे हैं, यहाँ कहीं ना कहीं प्रदूषण बढ़ रहा है और ये लोग को समझ में नहीं आता है यहाँ पक्षी नहीं है। सुबह सुबह जब ये पक्षी का आवाज नहीं सुन पाते हम सब, जाके कहीं ना कहीं किसान लोग जो है ना खेत में दवाई छिड़कते छिड़कते स्प्रे करते करते परेशान है। एक कीटनाशक नहीं मर पाता है, जहर बोया जा रहा है। किसान जहर बोते हैं और वही जहर हम सब खाते हैं और बीमार पड़ते जा रहे हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आता है? देखते रह जाएंगे, खींचते रह जाएंगे। अब कुछ काम नहीं देगा? अब सब मारेंगे तब बोलिएगा। रख लीजिए आप सब, आपसे जा रहे हैं कहीं बुढ़िया में, बात मानिए। अभी कई आदमी जा रहा था, अभी जा रहे थे, दो तीन आदमी जा, चार आदमी था ना। और आदमी भाग गया, वो तो भागी, कहाँ गया? क्यों ऐसा, कहाँ रहते, कहाँ? अभी अभी तो रह रहे हैं बगल में, जा रहे कहीं निर्मल जा रहे हैं, जा रहे बहुत। हम कहते हैं मेरे भाई, तुम लोग हाथ जोड़ के बिनती है, आपसे करेंगे ना, तो जो करिए। अरे भैया, तुम्हारे जैसा जैसा दिन रात, इससे पहले भी बोल रहा था कि आप नहीं करेंगे, यही धंधा करते हो तुम लोग। क्यों मारते हो यह पक्षी? पक्षी मार के क्या मिलता है मेरे भाई? अरे जाओ तुम कहीं काम धंधा करो, पेट पालने के लिए बहुत कुछ है। मुर्गा है ना खाने के लिए भाई, बकरा है ना खाने के लिए कि नहीं है? यह पक्षी, यह पक्षी तुम लोग क्यों खाते हो? अरे मानव हो ना भाई, मानव बन जाओ, मानव हो या नहीं हो? बस बस सही बात, मेरे जैसे तुम भी हो ना। हम भी मीट मछली खाते हैं, सब मीट मछली खाता है। तुम खाओ ना भैया, मेहनत करो ना, मजदूरी करो ना, नहीं मिलता है रोजगार, बोलो रोजगार दिला दो इधर से। आपसे बात मानना, आपसे करेंगे, लेकिन ये फालतू का काम मत करो। अपना जिंदगी को सुधारो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। तुम तो पक्षी मारते हो लेकिन तुम अपने बच्चों के भविष्य में, भविष्य के बारे में कभी सोचते हो? तुम अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कभी सोचे हो? अच्छा ठीक है बाबू, तुम पक्षी मारते हो और तुम्हारा बच्चा भी कल पक्षी मारेगा। तुम्हारा बच्चा का पेट कैसे भरेगा? तुम्हारा बच्चा को शिक्षा कैसे मिलेगा? तुम्हारा बच्चा का हॉस्पिटल में इलाज कैसे होगा? तुम्हारा बच्चा को, अरे मेरे भाई, कम से कम आपसे कर लेंगे ना, तब बोलिएगा। आपसे बोलिए बात मानिए। आप कभी जीवन में ऐसा नहीं करोगे? करेगा ना तब हम सब करोगे? चलिए इसको उतारिए, आपसे जो करना कर लीजिए, उतार के रखिए, रख लीजिए, नीचे रख दीजिए। आज से यह इस्तीफा दे रहे हैं, जो ऐसा नहीं करेंगे। इधर देखिए, वो भाला लेकर के घूम रहे हैं, इधर देखिए भाला लेकर के, या जो है वो खटास वगैरह जानते हैं, पेल देंगे उसको पूरे। थोड़ा नहीं दिखाइए, वो खटास वगैरह जो है ना उसको मारेंगे और कहीं ना कहीं
ये लोग यही कार्य करेंगे। खैर कोई बात नहीं, ये लोग जो करते हैं करते हैं, लेकिन हम रिक्वेस्ट है मेरे भाई सुन लीजिए, आपसे जो करेंगे ना सब कुछ मारो, जो मारना है मारो, लेकिन पक्षी मत। अच्छा अगर मारेंगे ना तो पेड़ मारिएगा पक्षी, सब लोग खटास है तो साथ में तो सब है। पहले बोलो सब का करिए, पक्षी को मत मारिए। पक्षी को मारने से कहीं ना कहीं यहाँ कीटनाशक जो है हमारे समाज में वह जो है ना उसको खाने वाला कोई नहीं है, उसको फसल में जो है ना इस सब में स्प्रे ही देखते हैं। ये क्या मकई है, मकई में लोग स्प्रे करते करते परेशान, वो मकई जो है हम सब खाते हैं, उससे क्या होता है हम सब बीमार पड़ते हैं। भैया तुम भी स्वस्थ रहो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। ये पक्षी को मत मारो मेरे भाई, नष्ट होते जा रहा है पक्षी हमारे समाज। एक तो टावर लगा लगा करके बर्बाद कर दिया है, पक्षी नष्ट हो रहा है, लेकिन इधर जो भी बचता है आप लोग पकड़ के मुंह गमक रहा है, शराब पी रखे हैं का? अरे भाई देख सकते हैं बिहार में थोड़ा सा चढ़ा लिए, कहाँ है शराब पीते हैं मेरे भाई। बिहार शादी बिहार में बंद है ना शराब, बिहार में शराब बंद है है ना, तो फिर शराब कहाँ है पीते हो? देखिए थोड़ा नहीं देखिए, बिहार शादी है, बिहार शादी में शराब पीने से बिहार शादी होता है। अब आप ये तो कहते हैं वो भी बात, दुनिया चलता है कि नहीं चलता, शराब पीते हैं बिहार शादी में, नहीं चलता है? चलता है। हाँ, तो यह जो है बिहार में, बिहार में शराब बंद है कि चालू है? फिर चलता है कि नहीं चलता, बंद है कि चालू है? बंद है तो काहे पीते हैं? अभी प्रशासन को कॉल करेंगे तो रोकेगा कोई? नहीं वो तो बात को रोकेगा। यह बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार जी का यह बिहार है, और इस बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन कहीं ना कहीं यह छोटे छोटे मेरे भाई लोग शराब पी करके खटास मारेंगे, पक्षी को मारेंगे और बिंदास होकर यही कार्य करेंगे। अब से करेंगे तब जो मर्जी जाइए, लेकिन यह कार्य मत कीजिए, दोबारा आप हमको दिख गए तो जो मन जो करें कर, ये लोग वादा किए हैं और दोबारा यह कार्य नहीं करेंगे, हमसे वादा किए हैं और ऐसा करेंगे तो इसके साथ कड़ी कार्रवाई होगी। अच्छा एक बात कहिए चाचा जी, यह कार्य जो हो रहा है यह गलत है कि सही? गलत हो रहा है ना, पक्षी को मारना सही है? नहीं बिल्कुल गलत है। पक्षी के अलावा और भी कुछ तो खा सकता है लोग, बहुत से मुर्गा है बकरा है इधर, लेकिन ये लोग पक्षी को नष्ट किया जा रहा है। ये जो हट्टा सब है इसको मारिए ना है? जो बकरा बकरी को खा रहा है, खा रहा है। अच्छा यह कहिए पक्षी मारने से किसान को दुष्प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है, बहुत पड़ रहा है। सोच सकते हैं यहाँ के यह ग्रामीण थे और इनसे भी हम जानने का प्रयास किए, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है ये लोगों के बारे में कमेंट के जरिए जरूर बताइए, और तब तक के लिए देखते रहिए इसी प्रकार से ताबड़तोड़ न्यूज, ताबड़तोड़ अंदाज में। जय हिंद, जय श्री राम।